जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से राजबली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम फिर लेके आ गए हैं आपसे बात करने के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है बेंजीन। देखिए, इसका नाम है बेंजीन। अब बेंजीन का सूत्रवा का बात कहिएगा ना, इंग्लिश में लिख देते हैं हम बेंजीन। आ एक अणु सूत्र होता है C6 H6। ही पता नहीं चला है, जैसे हम लिख दिए हैं वैसे ही नहीं पता चला है। एक पहले पहले खोजने वाला वैज्ञानिक का नाम है फैराडे। फैराडे ने क्या कहले था कि प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से जो है ना, प्रदीपन गैस जो था उससे प्राप्त तेल से उन्होंने क्या किया कि 1825 ईस्वी में एक रासायनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ का खोज कर लिया था जेकर सूत्र होता था, अणु सूत्र होता था C6 और H6। इन्होंने बेचारा खोज करके छोड़ दिया, ठीक है। फिर बाद में वो और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था मिट सडले जो था, इसका कब आया था 1834 में। इन्होंने बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक अम्ल से फिर एक तत्व का, एक रासायनिक पदार्थ का तत्व नहीं, एक रासायनिक यौगिक का, एक कार्बनिक यौगिक का खोज किया। ओकर भी फॉर्मूला होता था C6 और H6। यानी कि इन्होंने, फैराडे ने जो पदार्थ को खोजा वह पदार्थ को के खोज दिया बाद में, मिट सडले ने खोजा। और ये बेंजोइक और एसिड से इन्होंने खोजा था, और इन्होंने खोजा था क्या, तेल से, ठीक है, प्रदीपन से प्राप्त तेल से उन्होंने खोजा, प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से, ठीक है। आ एक नमवा रखा कौन, मिट सडले ने एक नाम रखा बेंजीन, बेंजीन। लेकिन एक बात जान लीजिए, इहे बेंजीनवा को ना जर्मन भाषा में बेंजोल कहा जाता है, बेंजोल। लेकिन कौन भाषा में, जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में इहे बेंजीनवा को बेंजोल कहा जाता था। बाद में एक और वैज्ञानिक आया, ओकर नाम था हॉफमैन। हॉफमैन साहब जो थे ना, एंट्री मारे थे आपका 1845 ईस्वी में। आ एक तो बजबे का थ्योरी था भाई, ये बोला कि देख भाई, तू तो तेल से खोजा आ तू तो बेंजोइक एसिड से खोजा, हमारा डाउट है वो अलकतरवा पर, करिया थुथुर नहीं होता है अलकतरा जरा से रोडवा बनाते हो, ओकरे पर हमारा डाउट है कि ओकरो में बेंजीन पाई जाता है। और बाद में सिद्ध हुआ कि अलकतरा में भी बेंजीन पाई जाता है, बेंजीन का मात्रा होता है। तो हॉफमैन ने भी कहीं ना कहीं 1845 में अलकतरा में बेंजीन का अनुमान लगाया, ठीक है। तो अब बना बेंजीन, और सबका अणु सूत्र देखल गया ना C6H6 तीनों का, इसका मतलब तीनों ने जो तत्व खोजा था, जो यौगिक, सॉरी तत्व नहीं, यौगिक खोजा था, वो तीनों का सूत्र क्या था, C6H6। आई पर नामा के रख ले था, नाम रख ले था मिट सडले ने, का नाम रखा बेंजीन। अब बेंजीन में को जर्मन में क्या कहल जाता है, ओकरा कहल जाता है बेंजोल, ठीक है। अब एकरा तरी माने हम देते हैं मिटा क्या देते हैं, अभी जगह है एकरे पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बेंजीन में को सूं के देखा, सूं के देखा, सूंघा नो तो बड़ा ही मस्त एक सुगंध होता था, मीठी गंध वाला होता है। यानी कि बेंजीन का अगर बात किया जाए सेंट का, तो एक जो ना गंध जो होता है मीठा गंध होता है, गंध एकदम मीठी होती है, मीठी, तेरी नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करती है, वो वाला मीठी नहीं, टेस्ट में मीठी, मतलब बढ़िया महक रहा था, महकना नहीं सुगंध देना कहिए। चलिए, एक देखा गया इना जल में जब एक घोला गया तो ये जल में घुलवे नहीं करता था, ठीक है, जल में नहीं मिलने के कारण बोला कि यह जल में अविलय है। कहे कि यह है कार्बनिक पदार्थ, आ जलवा है अकार्बनिक पदार्थ, आ हम लोग ये बात जानबे करते हैं, लाइक डीजल लाइक समान, समान को घोलेगा। तो जरा ये बताइए, ये कार्बनिक वह कार्बनिक वह अकार्बनिक, जल अकार्बनिक तो समान हुआ, नहीं वही कार्बन नहीं भूला, यह भूला किसमें, यह होता है कार्बनिक मिलायक जितना भी होता है ना
कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, घुलनशील कार्बनिक विलायक में यह घुलता है, ठीक है, घुला। और बाद का हुआ एक और देखा गया तो यह आपका रबर हो जाता है, वसा हो जाता है, रेजिन हो जाता है। ये सब चीज को ना इसमें गलाने का क्षमता था, ये सब को अपने अंदर घुला लेता था। और यह जानते हैं ना हम लोग, ये सब भी कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ है, रबर वसा ये सब, तो ये सब को क्या कर लेता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण घुला लेता था, ठीक है। आगे अगर बात करल जाए तो एक अब संरचना लोग खोजने लगा, कहा कि मीथेन का जैसे मीथेन सब का मतलब और सब तत्वों का संरचना होता था, तो बोला कि एक कुछ ना कुछ संरचना होगा। तो बहुत वैज्ञानिक एक संरचना के बारे में बात किए, लेकिन सब फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप हीरो के तरह थे, ठीक है। बाद में मारे एंट्री जगह पैदा हुआ था, जो पैदा हुआ था 1829 ईस्वी में, अब बेंजीन का खोज किया 1825 ईस्वी में, आने की एक जन्म से पहले ही बेंजीन में खोजा गया था। तो एक जन्म हुआ भले ही 1829 में, लेकिन इन्होंने 1865 ईस्वी में एक अनुमान लगाया कि बेंजीन जो है ना, बेंजीन वो उसका मतलब उसकी संरचना जो है ना रिंग के रूप में होता है, वो कार्बन का वलय होता है। इसके पीछे भी एक कहानी था, ठीक। चलिए वो कहानियां को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एकरा पहले हम देते हैं मिचा है। तो बेंजीन के संरचना का क्या कहानी है हम बात करते हैं। केकुले साहब जो थे, जिनका जन्म कब हुआ था, जन्म हम बताए थे 1829 में, इस चिंतन में कब पड़े थे, वह समय था 1865, जब इन्होंने बताया था केकुले। अच्छा नमन नहीं लिखे आप, केकुले जो आपको पढ़ना है, केकुली पढ़िए, केकुले पढ़िए, हम तो केकुले पढ़ेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड, सो बिहार बोर्ड का है, इसी खातिर हम केकुले ही पढ़ेंगे, केकुले। चलिए अब हम बात करते हैं एक केकुले साहब का। ये रात दिन जो होता है ना, ये इसी में लगा रहता था, चिंतन में डूबा रहता था कि भाई ये बेंजीन का संरचना कैसा होगा, बड़ा चिंतन करता था, और सभी वैज्ञानिक चिंतन में था। तो पहले जो था ना, ये सब तो जानते थे कि कार्बन ऐसे ऐसे करके जुड़ता है, ये सब जुगाड़ जानते थे, लेकिन बेंजीन का संरचना बड़ा दुर्लभ हो रहा था पुराना, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड वाला में दिक्कत हो रहा था, सब दिमाग लगाया, सब फलोप होता रहा, लेकिन कहता है ना, शिद्दत से अगर किसी पर मेहनत कीजिएगा सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये ना पूरा एकदम दिन रात एक को दिया बेंजीन के संरचना खाते, ठीक। एक दिन का हुआ, केकुले साहब आग जला करके आ दरवाजे पर आग से मतलब आग से गर्मी ले रहे थे, सेव रहे थे आग को, ठीक है। तो ओकर बाद का हुआ, मतलब वह आगिया के आगे बैठल एक नींद लग गया। थोड़ा समय यह सोया होगा, ओकर बाद ये का देखता है, इसको सपना आने लगा है। इस सपना में ढेर सारा सांप सब 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 कर रहा है, ठीक। तो सब सांप में एक वो सांप के कुले साहब देखा कि बड़ा डिफरेंट सांप है भाई। उस सांपा जानते थे क्या करता था, वो अपने ही मुहवा में अपने पोछड़िया को लेकर के खा रहा था। देखिए कैसे, जैसे कि मान के चलिए ये है सांप, ये हम बना दिए आपका सांप, ठीक है, ये है सांप, ठीक है, ये है इधर मुंह सांपा का, ठीक है, ये हम बनाए सांप, कैसनो सांप हो लेकिन समझ लीजिए सांप। इस तरह का उन्होंने देखा कि ये वो सांप जो है ना, जैसे ही मान के चले सांप का मुंह है, आई पूछ है, ऐसे करके था, ठीक है, इस तरह से। ओकरा लगा कि रे भाई हो, हम तो रात दिन बेंजीन मार के बारे में सोचते हैं, इस सपवा हमर सपनवा में कैसे चलाता है जी, ठीक। इस सपवा के बेटा सपनवा में आने लगा, कहीं बात है का, तो वो दिमाग लगाए कि कहीं ना कहीं इसका संबंध वो बेंजीन का संरचना से तो नहीं ना है, कहे कि हम तो रात दिन बेंजीन के संरचना के बारे में सोचते हैं, रह एक बार ऐसुरो बना के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यह छह कार्बन को मोड़ करके अब वलय के रूप में बनाए और इस तरह का संरचना उन्होंने तैयार किया, इस तरह से
इन्होंने पहले संरचना को तैयार किया, बलय के रूप में छह कर्बना को वो मोड़े, उकर बात देखे सब में इन्होंने हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लगाया। अगर बात गोंडवा गिना तो एक दो तीन एगो हुआ, बंका फिर एक समस्या हो गया। रे भाई वाह, इस सपनवा में देखे थे नगिनिया, आगे का हो गया वह फलोप कर जाएगा का, इन्होंने सोचा अच्छा पूरा के देखते हैं बॉन्ड को, ठीक। तो ये का किया, एक पर एक पर बीच में खींचा डबल बॉन्ड और गिना बॉन्ड को एक दो तीन चार, ओ माय गॉड, एक चार को पड़ गया, एक दो तीन चार ककरो पड़ गया, अभी तक ये पहला ऐसा वैज्ञानिक था जो इसमें सक्सेस कर रहा था। फिर का हुआ, यहाँ खींच दिया वो बेचारा, यहाँ खींचा, समस्या ही समस्या, एक दो तीन चार पांच, भारी समस्या हो गया। तो बोला ओ लगता है अब हम गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। बोला कि अच्छा चलो यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ खींच के देखा जाए तो, यहाँ खींच के देखा एक दो तीन चार, ओ माय गॉड चार तो हो गया, यानी कि इसका 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 बोर्ड तो पूरा हो गया, आ एकरा देखा एक और पूरा बचा ही। बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डबल बोर्ड होगा, आज जैसे ही एक अल्टरनेट पर, मैं अल्टरनेट मतलब समझिए एक ऊपर डबल बोर्ड तो दूसर का पर नहीं, यहाँ पर डबल तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट क्रम, ठीक। एक के बोल्ड के बाद एक बोल्ड पर उन्होंने डबल बोल्ड दे करके देखा, तो देखा कि बेंजीनमा का ना मतलब संरचना लगभग लगभग में ठीक ठाक हो गया, ठीक। और इस प्रकार का सुंदर सा संरचना उन्होंने बनाया पहले के पुले साहब। देखिए कोई भी खोज के पीछे, डिस्कवरी के पीछे, किसी भी चीज को अगर कोई इतना सुंदर लग रहा है तो पीछे बड़ा मेहनत होता है। जैसे हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लगते हैं कि मान के चलिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि शादी ब्याह में देखिएगा जो खरखट्टल ऐसा मुंह है ना, ओकरो मुंह बढ़िया लगेगा, चुचंदरों ऐसा बढ़िया लगता है, काहे कि ओकर पीछे बड़ा मेहनत लोग करता है, ब्लीचिंग मारेगा उस पर, क्या बोलता है उसको, पेंट जो होता है, मेकअप मारेगा पूरा एकदम सज करके, तीन घंटा पूरा लगेगा का करने में, तैयार होने में, ओकर बाद तक वह कैटरीना जैसा लगने लगेगी। लेकिन ओकर पीछे मेहनत तो है कैटरीना जैसा लगाने में, लगने में। तो जरा उसी तरह से देखिए, एकर संरचना अब आपको सुंदर कैटरीना जैसा लग रहा होगा, लेकिन एकर संरचना बनाने में, एकरा कैटरीना जैसा सजाने में कितना मेहनत लगा है वो जाकर के पूछिए कि कुले साहब को, कई रात सोए नहीं थे तब जाकर के सपनवा में आया नाग नगिनिया, और बात तब ये जो है ये तैयार हुआ, ठीक। जब इन्होंने इस संरचना को तैयार किया तो एक संरचना के मदद से इस यौगिक का सारा गुण परिभाषित नहीं हो रहा था, मतलब बेंजीन में जितना गुण होता है बेंजीन का, सभी गुण में परिभाषित नहीं हो रहा था। इन्होंने दूसरा भी संरचना दिया, अभी सत्ता को मार के हटा, चल हटो तुम, मार दिए नागिन को, मारे नहीं है, हटा दिए हैं, इसको रिलीज कर दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन्होंने फिर दूसरा संरचना दिया, इन्होंने दो संरचना दिया था इसका, ऐसे करके अगली बार इधर दिया डबल बोन, अगली बार ऐसे करके डबल बोन दिया, ठीक है, दिया। और फिर एक बार गहन अध्ययन कर लिया तो ये भी संरचना पहले एकरा से क्या होता था, एकरा से 50% बेंजीन का गुण जो होता है पता चलता था, आ ये नई का जो संरचना बनाया ना इससे भी 50% गुण पता चलता था। तो ये दोनों से 50% का ये होता था, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 100% गुण हो जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस संरचना को दिया और एक ही संरचना से बेंजीन के सभ्य गुण में पता नहीं चलता था, ठीक है। तो ओकर बाद क्या हुआ, ये दोनों को मिला दिया गया, मिलाया तो जरा सोचिए आप, पहले था ये बॉन्ड यहाँ, अब धीरे धीरे, पहले यहाँ देखिए ये वाला हम कहाँ है, यहाँ है ना, ये धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ वाला जो बोर्ड था यहाँ वाला, ये देखिए यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ वाला जो बोर्ड था यहाँ शिफ्ट कर गया। बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है, ये जो बोर्डवा है ये घूमत तो नहीं ना रहता है, ठीक। इन्होंने बोला कि नहीं, लगता है हमको बोर्डवा ये घूमता है। अब देखिए ये अलग अलग था तो अलग अलग देख रहा था, दिख रहा था। अब उन्होंने अनुमान लगाया, जुगाड़ लगाया, दूसरा वैज्ञानिक सब आया था, ठीक है। धीरे धीरे इसी का संरचना बदला और इन्होंने
सोचा कि जैसे कि मान के चलिए तीन गो इस तरह से पंखा होता है और इस तरह से मान के चलिए इसको तीन गो पंखा होता है तो ये अलग अलग रहे तो ये पंखवा आपको तीनों का पंखा का जो पत्ती होता है अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन वही ऐसे ऐसे घूमने लगे तो जरा बताइए वो गोल दिखाई देने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल देगा। तो ईगो व्यंजनवा का जो था ना ई लगता है उसको लगा कि गोल गोल घूम रहा है। ठीक, तो दूसरा संरचना जो तैयार हुआ यह संरचना तैयार हुआ और यह संरचना ऐसे घूमते ही डबल बोन को घूमते हुए इन्होंने दिखाया और यह संरचना जो है बहुत हद तक क्या यह संरचना जो होता है सफल संरचना बना जो बेंजीन के लगभग सभी गुणों को परिभाषित करता था बतलाता था। ठीक है, अब इस तरह से नया संरचना बना बेंजीन का ए, तो तीन संरचना तैयार हुआ। ठीक है, फिर अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत रहा। मत क्या रहा, जैसे एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था दीवार, दीवार बाबू का कहा कि देख भाई और सब क्या बनैले है के कुले का हमर संरचना देख कैसन शानदार जैसा बनाएंगे। इन्होंने का किया ऐसा का संरचना दिया, अगर नाम है दीवार तो बीचों में खींच दिया दीवार। ठीक, लेकिन एकदम फॉलो संरचना रहा, नहीं रहा सक्सेस। फिर इन्होंने दूसरा दिया ऐसे करके बोला ये सक्सेस नहीं रहा, रहे वाला नहीं रहेगा ऐसा का दिया अभिषेक बच्चन के तरह। ठीक है, आगे उन्होंने दूसरा संरचना दिया, दूसरा संरचना उन्होंने ऐसा दिया। ठीक है, और ऐसे करके हॉय वाला इहो फलो दीवार का जो तीनों का तीनों संरचना का हो गया फॉलो कर गया, कह के सर में दीवार का दीवार लगा के रख लेता। ठीक है, फिर दूसरा वैज्ञानिक आया वो ऐसा का संरचना दे करके बैठ गए, बोले कि चल अगली बार हमर संरचना देख कैसा तगड़ा है, इहो संरचना हो गया फलो। दूसरा वैज्ञानिक आया इस प्रकार का संरचना दिया और इहो संरचना इसका हो गया फलो, यानी कि जितना भी संरचना दिया सब फलो हो गया। तो कहीं ना कहीं यह जो था केकुले का जो संरचना था यही सब में से सक्सेस रहा और इसी को बोला जाता है केकुले का बेंजीन का जो है केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजीन का जो है केकुले के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे ज्यादा सटीक कौन वाला है, ई वाला है। ठीक है, केकुले बाबू ये बताए थे। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ई संरचना का कैसे उत्पादन हुआ एकर। ठीक है, एकर उत्पादन के बारे में हम बात करने से पहले इसको हम देते हैं तनी मीठा, ओकर बात करेंगे। चलिए, तो बेंजीन का जो एगो पहला संरचना था वो कैसन था, ये ऐसन था, इस प्रकार से एकर संरचना था। ठीक है, लेकिन एक संरचना से जब इस संरचना में देखा गया तो देखा गया कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है। आ हम लोग ये नहीं पढ़े हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा नो तो ओकर बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो जाता है कितना, इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.34 एंगस्ट्रम। ठीक है, आ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एकर बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, लेकिन जब एकरा में देखा कि ओइजा डबल बॉन्ड ओइजा डबल बॉन्ड ओइजा डबल बॉन्ड चला जाए एकदम कट्ठा डंडा लेकर नापिए लेते हैं डबल बॉन्ड का कितना दूरी है। आ जब ये नापा लो तो पहला का जो पढ़ल था वो फलो हो गया। ठीक, बढ़िया अमीन से एकरा नापवाया आ जब बढ़िया अमीन से एकरा नापा तो बोला कि देख भाई ये जो तू लोग पढ़ले है ना कि डबल बॉन्ड होगा तो इतना, ये बात बेंजीन में सही साबित नहीं हुआ, गलत हो गया। बोला कि देखिए अमीन साहब तनी बढ़िया से नापिए, बता मेहनत से पढ़ले हैं, फिर से नापा तीनों ने देखा कि इसका बॉन्ड जो है ना इसका बेंजीन का सभी बॉन्ड जितना है सभी बॉन्ड बराबर होता है, इसका बॉन्ड जो था ई यहां से ई वाला बॉन्ड ई वाला बॉन्ड ई वाला बॉन्ड ई वाला बॉन्ड सब का सब बराबर होता है। सिंगल बॉन्ड को नापा तो सिंगल बॉन्ड को नापा, पहले ही डबल बॉन्ड को नापा तो डबल बॉन्ड को नापा निकला 1.38 एंगस्ट्रम, कोनो कोनो किताब लिखता है 1.39 एंगस्ट्रम, उतना में का मायने नहीं रखता है। ठीक, लगभग केमिस्ट्री में आंसर होता है। अगर सिंगल बॉन्ड को उन्होंने नापा, सिंगल बॉन्ड ही तो डबल बॉन्ड को नापा था, सिंगल बॉन्ड को नापा तो निकला 1.38 एंगस्ट्रम, भारी समस्या। ओ माय गॉड, जो हमने पढ़ा था कि जो पढ़ा था कि सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में कि इतना डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ होता है
फलोप हो गया क्या? बोला हाँ, ये बेंजीन में फलोप कर गया। फिर इस वैज्ञानिक बोला देखिए अमीन साहब बढ़िया से नापिए, फिर नापा तो देखा बेंजीन के सभी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है आपस में बराबर होता है और वो पाया जाता है इतना। ठीक, बड़ा ही समस्या। और बाद क्या किया? बोला कि चलिए कोई बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड वाला अगर कार्बन पर जो होता है ब्रोमीन से अभिक्रिया किया जाए जलीय ब्रोमीन से, तो बॉन्डवा टूट जाता है। ठीक है, बॉन्ड टूट करके अलग अलग बन जाता है और इस तरह से हो जाता है, दोनों पर एक अंग आ जाता है, इस तरह से होता है। ठीक, इसमें अभिक्रिया करा के देखा कुछ हो ही नहीं किया। बोला ले हाँ, जो पहले पढ़े तो लगता है सब फलोप हो रहा है हमें। बोला कि जी बिल्कुल फलोप हो रहा है। ठीक, लेकिन कुछ गुण का यह एक संरचना पालन करता था। ठीक, फिर दूसरा संरचना बनाया, दूसरा संरचना बना इस तरह का संरचना बना। तो जो जो गुण इधर पालन करता था कुछ कुछ गुण, और कुछ कुछ गुण इस संरचना के चलते पालन होने लगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर और संरचना बनाया गया, और संरचना बनाया गया। देखिए यह संरचना का जरूरत के ऊपर, जब किसी भी यौगिक का सभी गुण एक संरचना से पूरा पूरी पता नहीं चले ना, तो ओकर समस्त गुण को जानने के लिए दो या दो से अधिक संरचना की आवश्यकता होती है, बनाते हैं आ उहे संरचना को बोला जाता है अनुनादी संरचना। तो अनुनादी संरचना का यहाँ पर जरूरत पड़ा। ठीक है, चलिए अब इसमें पाया गया क्या कि ये बोंडवा जो है ना, ये बोंडवा बोला कि देखिए ये बोंड होता एक्चुअल, बोला कि ऐसा का हो काहे रहा है भाई, ये जो हम लोग पढ़े ये फलोप काहे हो रहा है हम लोग का मेथड। बोला देखिए आप लोग जो पढ़े हैं ना उसमें ये पढ़े हैं कि ये बोंडवा जो है ना कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बोंड होता है वो बेचारा होता है अस्थायी, अस्थिर रहता है। ठीक है, वो अस्थिर रहने के कारण ओकरा उतना मापे, लेकिन ये जो बोंडवा है ना, ये जो आपको अलग अलग पत्ती के तरह दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, यह क्या करता है घूमते रहता है। तो घूमते रहेगा ऐसे आप बताइए, जो घूमेगा तो आपको गोरनो दिखाई देगा। बोला कि देखिए ऐसे 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 करके होता है, आ ई जैसे कि यहाँ पर डबल बोंड ई कार्बन के बीच नहीं, ई सभ्य कार्बनवा के बीच आंशिक रूप से डबल बोंड होता है, यही खातिर ना एकर जो होता है ई हो जाता है आतना, समझे। और ई जब संरचना तैयार किया गया तो यह संरचना बेंजीन के सभी गुणों को परिभाषित करता था। ठीक, तो बेंजीन का जो 100% सही संरचना ई तैयार हुआ, वही खातिर तो अब बेंजीनवा का हम लोग संरचना ऐसे करके बोल लेंगे तो दिस इज बेंजीन। ठीक है, तो ये था बेंजीन का एक छोटा सा कहानी, छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा परिचय। अगर आप लोग का मिलता रहा प्यार गुलाब तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे सीरीज को। ठीक है, और 11 12 का पूरा केमिस्ट्री जो है आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर तो आप रेल के कीजिए ताकि सीख सके दूसरे बच्चे भी बेहतर अंदाज में केमिस्ट्री, ताकि इस बात का भ्रम जो है खत्म हो सके कि केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट है। अभी इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।